राजबाग के अंदर वो ताकत है, जितनी भी सरकारी जमीन पड़ी थी वो सारे की सारी सरकारी जमीन अपने लोगों को देकर के मालिकाना हक देने का काम किया, बहुत ज्यादा काम किए हैं। साथियों ज्यादा मैं कहते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। आज संविधान खतरे में है, आप देखते होंगे तमाम सरकारी नौकरियों को ठेकेदारी के अंदर देकर के मैं आए दिन लड़ता रहता हूं, आठ आठ दस दस बारह बारह घंटे काम लेते हैं, सात सात आठ आठ हजार रुपए तनख्वाह देते हैं। तमाम सरकारी नौकरियों के अंदर ठेकेदारी प्रथा लागू करके दोबारा से हमारे को गुलाम बनाने की साजिश इन मनुवादी सरकारों द्वारा साथियों चल रही है। अगर आप समय रहते नहीं जागे तो आने वाला समय माफ नहीं करेगा आपको। और बाबा साहब साथियों मातृ शक्ति और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम है अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जबान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथियों बड़े गौरव की बात है कि भाई विनोद रंगा जी ने, भाई सुमित अंबेडकर जी ने, क्योंकि काफी लंबे समय से अपने महापुरुषों की विचारधारा को इस क्षेत्र में जाकर के गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के महापुरुषों की विचारधारा को जो फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं उन साथियों को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना देता हूं, आप सभी को भी, उनको भी, और जो मुझे इस गांव में बुला करके इतना मान सम्मान दिया। साथियों मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम देविंदर सिंह है, मैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अंदर का काम करता हूं, वहां की कर्मचारी यूनियन ग्रुप सीएनडी का प्रधान हूं और पूरी दिल्ली के अस्पतालों का मैं वाइस चेयरमैन हूं, जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं। तो साथियों मेरी माताजी मेरे साथ रहती है, पत्नी पालम गांव से है। जब मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हुए किसी बीमारी की वजह से चलते हुए, तो हमने डिसीजन लिया कि हम कोई ना कोई बच्चा गोद लेते हैं। अस्पताल के अंदर एक रात को बिटिया पैदा हुई, मुझे पता चला कि मैं जाकर के वो उसकी माँ उस बच्चे को छोड़ करके चली गई थी। हम गए लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते तो साथियों वो बच्चा हमारे को नहीं मिल पाया। उसी कड़ी में पालम गांव में ससुराल है, मेरी साली आई हुई थी, उनके पास में तीन बच्चे पहले थे, उनके पेट में बच्चा था, तो वो अपनी माँ से बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे की सफाई कराएंगे। तो मेरे नौजवान साथियों प्यारे बच्चों, मातृ शक्ति मेरी पत्नी ने और मैंने सुना, तो हमने उनको कहा कि तुम इसकी सफाई मत करवाओ, जो भी ये होगा बच्चा ये हमारा होगा। साथियों 2009 के अंदर बिटिया पैदा हुई, और बिटिया पैदा हुई तो मैंने पूरे गांव के अंदर पंचायत घर के अंदर बौद्ध रीति रिवाज से बौद्ध भिक्षुओं ने बेटी का नामकरण संस्कार किया। उसी समय से साथियों मैंने बौद्ध धर्म में अपना लिया और बिटिया आज की तिथि में 10वीं क्लास के अंदर पढ़ती है। ये सारी की सारी प्रेरणा महात्मा ज्योतिराव फूले जी से, जितने भी हमारे सतगुरु कबीरदास, संत रविदास, जितने भी महापुरुष रहे, भाई सुमित अंबेडकर जी जैसे साथियों ने जब ये विचारधारा हमारे को बताई तो साथियों ये विचार वहां से आए। तो अब मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पहले, क्योंकि महामानव महात्मा ज्योतिराव फूले को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना गुरु माना। भाई सुमित अंबेडकर जी ने बताया कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी की शादी, उनकी उम्र उस समय 11 साल की थी और माता सावित्री बाई फूले की उम्र 9 साल की थी, क्योंकि उस समय छोटी उम्र में ही शादी कर दिया करते थे। शादी हो गई, बाग बगीचों के अंदर राजा रजवाड़े थे तो
महात्मा ज्योतिराव फूले का परिवार काम करता था, राजा घराने माना जाना था, पढ़ने का शिक्षा का मौका मिला। तो उस समय महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपनी धर्मपत्नी को शिक्षा शिक्षित करके जो हमारी मलेच्छों की बस्ती अछूतों की बस्ती के अंदर, क्योंकि धर्म के मुताबिक ये बताया गया कि जिसकी औरत शिक्षा लेगी तो उसका पति मर जाएगा, माता सावित्री बाई फूले अपने ज्योतिराव फूले जी ने उस समय संकल्प लिया कि हमारी शादी हो चुकी है पर हम पूरी जिंदगी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो साथियों उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए और उन्होंने हमारी बस्तियों में जा जा करके हमारी माताओं बहनों को पढ़ाने का काम किया। जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो जो ऊंची जाति की औरतें आदमी उनके ऊपर गार गोबर कीचड़ मारते थे कि ये इनको पढ़ाने का काम क्यों करती है। तो माता सावित्री बाई फूले अपने बैग के अंदर दो जोड़ी कपड़े लेकर के जाती थी, एक जोड़ी कपड़े जाकर के उनके घर बदल करके पढ़ाती थी और हमारी मातृशक्ति महिलाएं भी भाग जाती थी इधर उधर जब पढ़ाने के नाम पाती थी क्योंकि मेरा पति मर जाएगा अगर मैंने शिक्षा ले ली। और विषम परिस्थितियों में माता सावित्री बाई फूले ने पढ़ाया और उनको चेचक की बीमारी हो गई उस समय, क्योंकि चेचक की बीमारी फैली और चेचक की बीमारी के चलते माता सावित्री बाई फूले स्वर्ग से धार गई। इतना ही नहीं साथियों, सन 1848 के अंदर, क्योंकि अछूतों को इस देश के अंदर पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, 1848 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर महात्मा ज्योतिराव फूले ने हमारे लिए पहली बार स्कूल खोला। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब उनकी कोटेशन को पढ़ा, महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा क्योंकि कभी हमारे पुरखे राजा हुआ करते थे तो वो किस कारण हमारा राजपाट चला गया उसके बारे में पढ़ा। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने कहा, शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, और गति के अभाव में शूद्र इस देश के अंदर लाचार और गुलाम हो गया। ये सारे का सारा नुकसान जो हुआ क्योंकि हमारे राजा हुआ करते थे, ये सारा नुकसान हुआ कि हमारे से शिक्षा से वंचित कर दिया गया हमारे को। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में शूद्र लाचार और गुलाम हो गया, तो उसी कड़ी के अंदर 14 अप्रैल 1891 के महू छावनी मध्य प्रदेश के अंदर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम सतपाल जी, माता जी का नाम भीमाबाई। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी फौज के अंदर सूबेदार थे। फौज के अंदर सूबेदार होने के कारण अंग्रेजों के शासन में इस तरह की नीति थी कि फौज में काम करने वाले लोगों को, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो उसी कड़ी में बाबा साहब को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। बाबा साहब जब स्कूल जाते थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके साथ में कितना भेदभाव किया जाता था उस समय के लोगों के द्वारा। अपनी बोरी टाट पट्टी लेकर के घर से जाना, लिखना कुछ नहीं, सिर्फ सुनने का काम करते थे और दरवाजे के बाहर बैठते थे कोने के अंदर। और साथियों जब स्कूल के अंदर जाते थे बाबा साहब तो बांस की नाल से उनको चपरासी वहां का पानी पिलाता था। बांस की नाल आप लोगों ने देखी होगी, बांस की नाल से पानी पिलाते थे और जिस दिन पानी पिलाने वाला चपरासी नहीं आता था उस दिन बाबा साहब को प्यासा ही रहना पड़ता था। इतनी घटनाएं हैं बाबा साहब के जीवन की। एक दिन चपरासी स्कूल में नहीं आया तो बाबा साहब ने कहा कि मां कौन सा ऐसा कारण है कि हमें पानी नहीं पीने दिया जाता। तो माता ने बताया जाति पाति का भेदभाव, लेकिन साथियों कितना दृढ़ निश्चय था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतनी उच्च शिक्षा हासिल की। साथियों नाई बाल काटने के लिए मना कर देता था। एक बार बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब और उनके भाई एक बैलगाड़ी में बैठ करके जा रहे थे तो बैलगाड़ी वाले को पता लग गया ये महार जाति के हैं, नीची जाति के हैं। तो साथियों धक्का मार करके बैलगाड़ी से नीचे गिरा दिया। कितनी दुखद घटना रही बाबा साहब के साथ में, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 1907 के अंदर बाबा साहब ने मैट्रिक पास की, मैट्रिक पास भी की पूरे टॉप के साथ में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर तहलका मच गया
इमहार जाति से एक ताल्लुक रखने वाला एक बच्चा इतनी इतना होशियार है। तो साथियों, बाबा साहब ने 1960 में पढ़ने के बाद में शिवाजी राव गायकवाड़ जी ने भी, उन्होंने जाकर के विदेशों तक साथियों बहुत ज्यादा डिग्रियां, इकोनॉमिक्स 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास में, 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और अमेरिका के अंदर उनको नॉलेज ऑफ सिंबल माना गया। तो साथियों, इतने बड़े महापुरुष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने साथियों, आप देखेंगे कि उनके बच्चे सारे के सारे बच्चे कुर्बान उन्होंने बाबा साहब ने, क्योंकि आप ये समझते होंगे अगर आज हम बराबर हैं पीने के पानी के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने महाड़ के चावदार तालाब के अंदर, क्योंकि कुत्ता बिल्ली बंदर तो पानी पी सकता था, भैंस गोबर कर सकती थी, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों को इस देश के अंदर उस तालाब के अंदर पीने का पानी का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसके अंदर लगभग 1927 के आसपास महाड़ के चावदार तालाब के अंदर जाकर के और पूरे अपने लोगों के साथ में जाकर के पानी पिया, आंदोलन किया। साथियों, वहां पर भी ऊंची जाति के लोगों ने लाठी मार करके सर फोड़ दिया बाबा साहब का, चोट लगी, लेकिन बाबा साहब जिद्दी थे, बाबा साहब नहीं माने, उन्होंने उस काम को कर करके दिखाया। आज जो अगर हम बात करें, अगर आज हम बराबर हैं तो सिर्फ एक बात के अंदर बराबर हैं, इस देश का राजा हो या रंग हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सब अगर बराबर कहीं है तो वोट के माध्यम से हम बराबर है। बाकी हर जगह गैर बराबरी व्याप्त आपको नजर आती होगी। साथियों, ये वोट का अधिकार आपको ऐसे ही नहीं मिला, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, क्योंकि उस समय वो लोग नहीं चाहते थे कि सब लोगों को वोट का अधिकार मिले। 1930 31 32 के अंदर 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड के अंदर, बाबा साहब वहां पर गए, उनका जो सबसे प्रिय पुत्र था बाबा साहब का राजरतन, राजरतन की तबीयत खराब, बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर माता रमाबाई अंबेडकर अपने घर का जीवन पालन पोषण उपले पात करके, गोबर के उपले बना बना करके बेच करके उनसे अपना गुजर बसर करती थी। साथियों, बाबा साहब गए, राजरतन की तबीयत खराब हो गई, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माता रमाबाई ने फोन के माध्यम से बताया कि आपका सबसे प्रिय पुत्र राजरतन की आज तबीयत खराब हो गई है, आप लौट आओ। जब बाबा साहब ने कहा कि अगर आज मैं इस मीटिंग में नहीं रहा, गोलमेज कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया मैंने, तो पता नहीं कितने राजरतन इसमें मर जाएंगे। तो साथियों, उन्होंने बाबा साहब ने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद में जब घर पर आए तो राजरतन की डेथ हो चुकी थी, माता रमाबाई अंबेडकर उनको अपने बच्चे को गोदी में लेकर के बैठी थी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ, करजी की तरफ देखने लगी कि कफन के पैसे तो बाबा साहब के पास होंगे। साथियों, कितनी दुखद घटना रही होगी, बाबा साहब ने इशारों में ही कहा कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। माता रमाबाई अंबेडकर कहती थी कि आप तो कहते थे कि राजरतन राज करेगा इस देश के अंदर, तो आज ये राजरतन तो आपका चला गया। जब बाबा साहब की आंखों के अंदर देखा, माता रमाबाई अंबेडकर ने बाबा साहब ने एक दूसरे को देखा, तो एक भी पैसा उस समय नहीं था बाबा साहब के पास। माता रमाबाई अंबेडकर ने अपनी साड़ी का पल्लू पाड़ करके अपने सबसे अजीज बेटे को, राजरतन को कफन देने का काम किया। ऐसे थे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इतना ही नहीं साथियों, उन्होंने ये सारी 1930 31 32 के बाद में चलते चलते साथियों जो समय आया, क्योंकि जात पात का भेदभाव इतना था, उनको संविधान लिखने का मौका मिलना था, लेकिन बड़े दुख की बात साथियों, उस समय क्योंकि संविधान उसके अंदर संविधान सभा में जाने के लिए चुनना बहुत जरूरी था। जो ये आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने दलितों का उत्थान किया, हमने किया, साथियों बाबा साहब के सामने ही अपना चपरासी चुनाव लड़ा करके इस कांग्रेस ने ही बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। बाबा साहब चुनाव हार गए और उनका चपरासी जीत गया। तो बाबा साहब संविधान सभा में नहीं जा सके, लेकिन धन्यवाद है जसलोर और खुलना के साथियों का
उनको पता लगा वहां चांडाल जाति के लोग रहते थे कि वो वहां पर जाकर के उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप यहां से आकर के लड़िए, तो बाबा साहब वहां से चुनाव लड़े, जो आज पाकिस्तान के अंदर आता है वहां से जीत करके आए। लेकिन साथियों इतने चतुर और चालाक ये लोग, जब ये बात आई तो कहा कि बाबा साहब वो एरिया तो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि कलम के माध्यम से ही मैं अपने लोगों को कुछ दे सकता हूं। साथियों चले आगे बढ़ते हैं, बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला और संविधान के अंदर जितनी भी ये बातें बाबा साहब ने लिखी हमारे लिए, समता स्वतंत्रता बंधुत्व आधारित सारी बातें लिखी, और जितने भी अधिकार खास तौर पर महिलाओं को हिंदू कोड बिल के तहत साथियों सारे के सारे पुरुषों के बराबर अधिकार देकर के महिलाओं को बराबर करने का काम किया। साथियों इतना ही नहीं, 2 साल 11 महीने 16 दिन के अंदर भारत का संविधान लिखा गया। जब 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ, उसके बाद में 1952 के अंदर बाबा साहब कानून मंत्री बने। बाबा साहब पहले कानून मंत्री बने तो साथियों, लेकिन बाबा साहब के मन में एक पीड़ा थी कि मैं हिंदू पैदा जरूर हो गया लेकिन मैं हिंदू में मरूंगा नहीं, क्योंकि इतना ऊंच नीच भेदभाव जिसके अंदर व्याप्त हो। तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके तत्पश्चात 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे बीच से शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन मैं मानता हूं आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। साथियों इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक पुस्तक लिखी पे बैक टू द सोसाइटी, कि जब हम समाज से सब कुछ लेते हैं तो हमारे को समाज को उसके बदले में देना भी चाहिए। वो पुस्तक भाई सुमित अंबेडकर जी ने बताया, क्योंकि 56 के बाद में कारोबार रुक गया बाबा साहब का। धन्य है मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब, जिन्होंने आने के बाद एक पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक का नाम था पे बैक टू द सोसाइटी। पढ़ने के बाद में पूरा घर बार छोड़ दिया। भाई सुमित जी ने आपको बताया साथियों, उस समय जब 89 के अंदर 89 के अंदर उन्होंने पार्टी बनाई मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब ने, और जब बीपी सिंह जी सरकार में जब प्रधानमंत्री बने तो बहुजन समाज पार्टी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय। तो साहब ने कहा, बीपी सिंह जी ने कहा कि आप हमारी सरकार का समर्थन करिए, तो साहब ने कहा कि हमारी 2 मांगे हैं, मंडल आयोग लागू करो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। वीपी सिंह जी ने ये दोनों की दोनों बातें मानी। आपको याद होगा कि मंडल आयोग भी लागू हुआ और 1989 के अंदर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सारे का सारा कारवा मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की वजह से हुआ। साथियों मान्यवर साहब श्री काशीराम ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने लोगों को पे बैक टू द सोसाइटी के माध्यम से बाबा साहब की बात को बताया, क्योंकि अंत में बाबा साहब ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं तो अपने पढ़े लिखे लोगों से दुखी हूं, नौकरी पैसे वालों से दुखी हूं, क्योंकि उन्होंने मैंने पूरा जीवन लगाया, आज वो टीवी और बीवी के अंदर मस्त हो गए। तो उन्होंने कहा इनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने समाज के लिए काम करें। मान्यवर साहब श्री काशीराम ने पूरे देश के अंदर घूम करके साथियों कारवे को चलाया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को फैला करके, साथियों आपको याद होगा कि 3 जून 1995 के अंदर जब पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की सरकार बनी, तो जो महाराष्ट्र के लोग कहते थे बाबा साहब काशीराम को, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने साथियों एक बात कही है कि वोट का अधिकार मैंने तुम्हारे को दे दिया, इस देश के अंदर रानी के पेट का मैंने ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि उस समय रानी के पेट से राजा पैदा होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा कि मैंने रानी के पेट का नसबंदी कर दी
अब राजा तुम्हारे पेट से भी पैदा हो सकता है, तुम्हारे बैलेट बॉक्स से भी पैदा हो सकता है। और बाबा साहब ने एक बात कही, आपने उनका चित्र देखा होगा, चित्र के अंदर पार्लियामेंट की तरफ इशारा किया है। अगर आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करना चाहते हो तो इस देश की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लो, इस देश की सत्ता के अंदर अपने लोगों को चुन करके भेज दो। तो साथियों क्या हुआ, जो महाराष्ट्र के लोग कहते थे, साहब काशीराम ने कहा कि हमारे वोट ज्यादा हमारी सरकार बन सकती है, तो महाराष्ट्र के लोग कहते थे ये ना हो सकत, ये नहीं हो सकता। माननीय साहब श्री काशीराम के बारे में बताया भाई सुमित जी ने, 3 दिन बस अड्डे के ऊपर अखबार के ऊपर लेटे रहे। उसी के बाद में साथियों सर्दी का मौका था, साहब को सर्दी लगी, लंबे तगड़े गोरे चीते, क्योंकि तगड़े थे साहब, वैज्ञानिक रहे, एक कपड़े वाले की दुकान पे चले गए तो साहब कहने लगे कि उन्होंने दिखाया कि भाई कोई सेठ आदमी आया है, अच्छा सा कोट इनको दे देता हूं। बोला भी कोट चाहिए मेरे को, 3,000-2,500 का कोट साहब काशीराम को दिखाया। साहब ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है भैया, और कम का दिखाओ। करते 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 साहब ने कहा कि मेरे पास तो 5 रुपए है भाई, 5 रुपए का कोई कोट हो तो मेरे को दे दो। दुकानदार लाला लोग कहने लगे कि 5 रुपए का कोट तो आपको वहां मिलेगा, थोड़ा आगे चले जाओ, वहां शमशान घाट। माननीय साहब श्री काशीराम साहब वहां पर चले गए और एक कोट अच्छा सा उनके अंदर दाग लगाने के बाद रख देते हैं, उनके अंदर एक कोट रखा था अच्छा सा, वो उठा करके पहन लिया। और जो वहां पर जो दाह संस्कार कराता है उसने कहा जी आप ये क्या कर रहे हो, बोला ये कोट तो मुर्दे का है। उन्होंने क्या किया कि बोला जी ये कोट मेरे को चाहिए, कितने पैसे लेने आपको, बोला जी आप जितने देने दे दो। 5 रुपए में वहां से दे करके साहब काशीराम साहब ने कोट पहना और पहन करके पूरे देश के अंदर जाकर के जन जागृति फैलाई। और साहब काशीराम ने कहा मेरी माताओं बहनों आप कान खोल करके सुन लो, क्या कहा, इस देश के अंदर साहब काशीराम ने नारा दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। क्यों नारा दिया, क्योंकि वो जानते थे जाट जमींदार किसी भी तरह के खेती वाले लोगों के अंदर हमारी माताएं बहने जाती थी तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। जब साहब काशीराम ने कहा कि मेरी माताओं बहनों की इज्जत एक घास के कठड़ी में लुटती है, जब मैंने ये देखा तो मैंने शर्म आई और मैंने घर परिवार छोड़ करके इस समाज को मैं शासक बनाने की तरफ चला हूं, मुझे शर्म आई कि मेरी माताओं बहनों के साथ में इस तरह का अत्याचार होता है। घर बार त्याग दिया और पूरे का पूरा जीवन इस देश में आपको जगाने के लिए लगा दिया। उसी का नतीजा है कि आज बहन कुमारी मायावती जी जब 3 जून 1995 को पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश के अंदर 100 एकड़ के अंदर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक बना करके, भव्य स्मारक बना करके और बाबा साहब जयंती की छुट्टी देकर के साथ सिद्ध कर दिए। राजपाट के अंदर वो ताकत है, जितनी भी सरकारी जमीन पड़ी थी वो सारे के सारे सरकारी जमीन अपने लोगों को देकर के मालिकाना हक देने का काम किया, बहुत ज्यादा काम किए हैं। साथियों ज्यादा ना कहते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। आज संविधान खतरे में है, आप देखते होंगे तमाम सरकारी नौकरियों को ठेकेदारी के अंदर देकर के, मैं आए दिन लड़ता रहता हूं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम लेते हैं, 7-7, 8-8 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं। तमाम सरकारी नौकरियों के अंदर ठेकेदारी प्रथा लागू करके दोबारा से हमारे को गुलाम बनाने की साजिश इन मनुवादी सरकारों द्वारा साथियों चल रही है। अगर आप समय रहते नहीं जागे तो आने वाला समय माफ नहीं करेगा आपको। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर मेरे समाज के लोगों, मेरे अनुयायियों, अगर इस कारवा को आप आगे ना ले जा सको तो कम से कम इसको पीछे भी मत जाने। तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले, अंधविश्वास पाखंड को त्याग दे। तथागत महामानव महात्मा बुद्ध उन्होंने त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग को धारण करके बाबा साहब ने 21 प्रतिज्ञाएं ली। 21 प्रतिज्ञाएं आप पढ़े, उनमें बाबा साहब ने सबसे पहले कहा कि मैं किसी भी देवी देवताओं को भगवान नहीं मानूंगा। तो साथियों काफी समय लग जाएगा लेकिन मैं आपको पुनः मुबारकबाद देते हुए इस पावन पर्व पर आप अपने घरों के अंदर बाबा साहब की तस्वीरें लगाएं,
उनके विचारों को बच्चों को पढ़ाएं, आप खुद पढ़े। और आपके नजदीक 16 सेक्टर या 18 सेक्टर के पास में नोएडा के अंदर साथियों बाबा साहब का एक स्मारक है, उसको भी आप देख करके आए। जब महापुरुषों की विचारधारा पे चल करके साथियों बहन कुमारी मायावती ने वहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया, तो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करें और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। अब चुनाव भी आपके सामने है, तो मैं ज्यादा न कहते हुए बाबा साहब के इशारे को समझें, अपने मत का सही इस्तेमाल करें और अपने भविष्य को बनाएं। इसी के साथ मैं पुनः भाई सुमित अंबेडकर जी का